अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को कोरोना महामारी के चलते शासकीय दरों पर उचित इलाज उपलब्ध हो, इसके लिए क्षेत्र के विधायक तथा राज्य सरकार में पशु संवर्धन, दुग्ध विकास, क्रीड़ा एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार की कर कमलों से सर्व सुविधायुक्त श्री गुरुदेव हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए मंत्री सुनील केदार ने कहा कि मेरे कार्य क्षेत्र के सभी डॉक्टरों का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। कोरोना महामारी की शुरुआती दौर से आज तक मेरे क्षेत्र के सभी डॉक्टरों के सहयोग से काफी हद तक कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति पर नियंत्रण पाने में शासन के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया और आज भी कोरोना से जंग निरंतरता से जारी है। इस अवसर पर मैं मेरे क्षेत्र के सभी डॉक्टर्स तथा कोरोना का शुक्रिया अदा कर उनके कर्तव्य दक्षता एवं सामाजिक दायित्व को नमन करता हूँ कि उन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह बखूबी से किया और जब जब भी ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आएगी तो ऐसे ही मजबूती से खड़े रहकर अपने क्षेत्र की जनता की सेवाएं करते रहेंगे। ऐसे विचार व्यक्त कर सेवा कार्य कर रहे डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाया तो वही नागपुर जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे ने कहा कि सावनेर कलमेश्वर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं समूचे महाराष्ट्र को सुनील बाबू जैसा दूरदृष्टि वाले नेता मिले हैं जिनकी नागपुर जिले समेत संपूर्ण महाराष्ट्र में अच्छी पकड़ तथा लोग उनका कहना मानते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में इस महामारी के दौर में भी सभी क्षेत्र के लोग मिलजुल कर कार्य कर डट कर मुकाबला करते हैं। इस अवसर पर जिला परिषद उपाध्यक्ष मनोहर कुम्भारे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सावनेर शहर में साहब की प्रयत्नों से आज और एक सुविधा युक्त डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर का शुभारंभ हो रहा है जिसका क्षेत्र की जनता को बहुत लाभ होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सावनेर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण वाकोड़े की संकल्पना से शुरू हुए इस डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर की शुभारंभ योजना का संचालन डॉक्टर श्रद्धा मानापुरे ने तो प्रस्तावित डॉक्टर भूषण सिंबेकर एवं आभार डॉक्टर सुरेंद्र गेडाम ने माना। इस अवसर पर पूर्व नगराध्यक्ष व कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष पवन जायसवाल, साहिब राव विरखरे, प्रशांत ठाकरे, डॉक्टर प्रवीण वाकोड़े, डॉक्टर भूषण सेमकर, डॉक्टर जयराज हड़के, डॉक्टर छत्रपति मानापुरे, डॉक्टर अजय कवाड़े, डॉक्टर गिरीश ठाकरे, डॉक्टर विक्रम राठी, सतीश चेंगे, पूर्व नगर सेवक राम उमाटे, समाज सेवी अनिल पुन्याई, युवा कार्यकर्ते चंदू कामदार, अश्विन कारोकर इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सगळ्या सन्माननीय डॉक्टर्स लोकांचं मनापासून आभार आहे। कोविडच्या महामारीमध्ये पूर्ण जग भरपूर निघतंय। आपला देश 130 कोटीचा हा देश या देशामध्ये आपण सगळेजण मागच्या वर्षभरापासून या महामारीसोबत आपल्या परिणाम झुंज देण्याचं काम करतोय। कधी कधी मनाला फार त्रास होतो, वेदना होतात। डॉक्टर वाकोड साहेब माहिती आहे की इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी आहे, बेड मिळत नाही, मशीन असं सगळ्याचं असतं, पण ही वस्तुस्थिती आहे, खत देत नाही। पण आलेल्या गोष्टीला तोंड देऊन पुढं माग करणं हाच आपला एक मानव धर्म आहे। तुम्ही आम्ही सगळेजण आपापल्या परीनं वर्षापासून अहोरात्र परिश्रम करतोय। तिसरी लाट येणार असं म्हणतात, त्याच्यामध्ये मतमतांतर आहेच, पण व्हायरसचं काही सांगताच येत नाही। त्याला हात नाही, पाय नाही, डोकं नाही, मंदी नाही, काहीच नाही, विचारते तो विचारणार नाही की हा बंडू चौधरी आहे की सुनील केदार आहे। सर्व रिपोर्ट पाठवतात, तो सगळ्यांची काळजी घ्यावी। BCN न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।